और इस समय मैं सिलक्यारा में हूँ, जहाँ पर पिछले 17 दिन से जो 41 मजदूर फंसे हुए थे उन्हें आज बाहर निकाला गया है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर पिछले 16 दिन से चल रहा था आज सफल हुआ है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने लगातार नज़र बनाए रखी, पल पल की अपडेट हमने अपने जो दर्शक हैं उनको दी और इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस पूरे ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन पे बातचीत करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता आफ्ताब अजमत जी यहाँ पर हैं, उनसे बात करते आइए जी। हाँ, वाकई ये एक मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। आज तक हमारे देश में कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ जिसमें 41 मजदूर 41 जिंदगियां लगातार इतने 17 दिन तक फंसी रही हों, उनके लिए इतने जतन किए गए हों। लेकिन हम सब के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात भी है कि हमारा ये ऑपरेशन आज सक्सेसफुल हो गया है। बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे अवरोध आए, उसके बावजूद मतलब तमाम तरह के जो एक्सपर्ट यहाँ जुटे हुए थे कहीं ना कहीं उन सब का जो है अनुभव काम आया है। और इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं कि आप लगातार इस ऑपरेशन को कवर कर रहे थे और मैं भी आपके साथ जुटा हुआ था। जी अजय, ये जो पूरा ऑपरेशन था इसमें जैसे पिछले कुछ दिन पे दिन की हम बात करें, एक बार पूरा मनोबल टूट गया था। जो अधिकारी या इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे उनके चेहरे उतर गए थे जब ऑगर मशीन फंस गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की, बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ, निश्चित तौर पर। और मैं तो कहूँगा कि अभी जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बोल रहे थे कि 16 नवंबर को जब वो किसी कार्यक्रम से भोजन के लिए जा रहे थे और अचानक फ़ोन आया कि जो ऑगर मशीन 900 मिलीमीटर पाइप जो भेज रही थी वो 24 मीटर के बाद अटक गई है, तो उनका कहना था कि मैं भी बड़ा हताश हुआ, मुझे बड़ा झटका लगा। लेकिन अगले ही पल फिर एक नई एनर्जी के साथ तैयारी में जुट गए कि भाई उसका रास्ता तो निकालना ही है, 41 जिंदगियां जो फंसी हुई हैं। उसके बाद दूसरा मौका तब आया जब 800 मिलीमीटर पाइप चलाना शुरू किया और ऑगर मशीन बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद टूट गई, उसका ब्लेड फंस गया, उसका हेड फंस गया, फिर 45 मीटर तक ब्लेड फंसा हुआ था, उसको मैनुअली काटा, उसके लिए लेज़र कटर मंगाए गए, उसके लिए प्लाज्मा कटर मंगाया गया। तो ये बड़े चैलेंज थे और ये मतलब ऐसे वाकई बहुत मतलब स्तब्ध करने वाले झटके थे और फाइनली उन सब से पार पा लिया हमारे जो रेट, एक तरह से खोदू दल जिनको अभी रेट माइनर्स कर्नल पाटिल जो बोल रहे थे कि खोदू दल, रेट माइनर्स के बजाय उनको खोदू दल कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और उनका जोश देखने लायक था, रेट माइनर्स ने मतलब इतनी बेहतरीन तरीके से अपना काम को अंजाम दिया है और एक तरह से इस अभियान को चरम पर पहुंचाने वाले या फिर यूं कहें कि सफलता पर पहुंचाने वाले रेट माइनर्स हैं इस मामले। बिल्कुल, यहाँ पर रेट माइनर्स की भूमिका बहुत अहम रही। हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो एक मशीन के आगे मशीन जो फेल हो रही थी उसमें जो एक बड़ी भूमिका निभाई और इंसानी पंजे यहाँ पर आगे रहे, उससे अगर कहना चाहेंगे तो। हाँ बिल्कुल, मशीन के सामने इंसानी पंजा, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, जो मशीन के सामने इंसानी पंजा कामयाब हुआ है। कहीं ना कहीं मतलब जिसने भी यह सलाह दी होगी, यहाँ इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट भी थे, अर्नोल्ड डिक्स जिनका नाम है, और तमाम सारे एक्सपर्ट थे। केंद्र सरकार की कम से कम 2 दर्जन एजेंसियाँ यहाँ लगी हुई थी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो नवरत्न मानी जाती हैं वो सब यहाँ लगी हुई थी, RJVNL से लेकर SJVNL से और NTPC, THDC, ONGC, तो कहीं ना कहीं सामूहिक प्रयास का नतीजा है ये, मैं ये मानूंगा। एक यहाँ पर जो 5 प्लान तैयार किए गए थे उनकी उन पर बहुत बड़ा मतलब काम स्टार्ट हो गया था, अगर 5 प्लान की बात करें, लेकिन उन सबकी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो मजदूर निकल कर आए वो सुरंग के मुहाने से ही निकल कर आए, इससे आप क्या कहेंगे? हाँ, अमर उजाला पहले दिन से ही ये कह रहा था कि मजदूरों के सबसे करीब पहुँचने का रास्ता टनल के अंदर से है और वैसे कोशिशें तमाम की गई, जाहिर सी बात है कोशिशें होनी भी चाहिए, अगर एक जगह कहीं फेल हो जाएंगे कहीं तो पास होंगे तो। लेकिन SJVNL ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने 45 मीटर तक 2 दिन के अंदर पहुंचा दिया, यानी अगर यहाँ सफलता ना मिलती तो हमें कल या परसों तक वहाँ भी 100% सफलता मिलने की पूरी उम्मीद थी। उधर THDC ने अच्छा काम किया कि उन्होंने एक माइक्रो टनल बनानी शुरू की बड़कोट सिलक्यारा जो सुरंग है इसके बड़कोट सिरे से, तो सभी लोग मतलब प्लान तो इसीलिए बनाए गए थे, फाइनली एक ही सबका एक ही टारगेट था, एक ही लक्ष्य था कि मजदूर हमारे बाहर आ जाएं और सकुशल बाहर आ जाएं, और उसमें हम सफल हुए। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है एक बहुत अहम पल उस समय आया 20 तारीख को जब लाइफलाइन के रूप में एक 6 इंच का पाइप आर पार किया गया, तो उसको भी कैसे देखते हैं आप, ये बहुत बड़े? वो बहुत क्रांतिकारी था इस ऑपरेशन का, बहुत ही मतलब अहम एक पड़ाव हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो 4 इंच का पाइप था उससे एक तो बात उतनी नहीं हो पा रही,
दूसरी बात क्या है कि उनके पास केवल ड्राई फ्रूट्स ही भेज पा रहे थे हम लोग। ड्राई फ्रूट्स मतलब उसे खाने से लगातार 9 दिन तक मजदूरों ने खाया है, हालांकि उसके लिए वो मतलब उनकी दाद देनी होगी, उनकी हिम्मत की भी और हौसले की, जज्बे की, लेकिन ड्राई फ्रूट्स बहुत सोल्यूशन नहीं था। तो जब 6 इंच का जो पाइप है वो पहुँच गया, उससे 2 फ़ायदे हुए, एक तो सारे मजदूर दिख गए, तो सभी लोगों को ये पता चल गया कि ये इत्मीनान हो गया कि सब सकुशल हैं। दूसरी बात यह है कि 6 इंच के पाइप से खाना आसानी से भेजा जा सका, दवाएं आसानी से भेजी जा सकी, उनके कपड़े भेजे जा सके, फ़ोन जा सके, BSNL ने खुद अपनी लीज लाइन वहाँ बिछाई है, बाकायदा लैंडलाइन फ़ोन लगाया, तो SDRF ने वहाँ अपना कम्युनिकेशन डिवाइस लगाया, तो इतने सारे काम हुए वो 6 इंच की जो पाइपलाइन थी, और इस पूरे अभियान का वो एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब कामयाब पल था। बिल्कुल, ये बहुत अहम पड़ाव था इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का, जब 6 इंच की पाइपलाइन अंदर गई और लाइफलाइन, बिल्कुल वो लाइफलाइन साबित हुई, लाइफलाइन के रूप में ही वो पाइपलाइन डाली गई थी, तो ये एक बहुत अहम पड़ाव था। और आज यहाँ का सन्नाटा यहाँ पसर चुका है, और एक अच्छी बात भी है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, इसका हम इंतजार कर रहे थे। हाँ, कल तक तो मतलब अब चूंकि टनल के अंदर बचाव का काम दिन रात चल रहा था, अब वहाँ तमाम मशीनरी जा रही थी, पूरा सिस्टम एक्टिव था, तमाम एक्सपर्ट जुटे हुए थे, उनके लिए दिन और रात कुछ नहीं था, उनका केवल एक टारगेट था कि किसी तरह मजदूरों तक हम पहुँच जाएँ और उनको निकाल लें। तो जाहिर तौर पर है सारे मजदूर अब चिन्याली सौड़ अस्पताल में भर्ती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो जाहिर तौर पे यहाँ सन्नाटा तो होना ही है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का यहाँ पहरा मैं जो देख रहा हूँ, पुलिस अभी भी बहुत सतर्क है ताकि यहाँ कोई अनवांटेड लोग ना घुस जाएं, कोई उस तरह का पैनिक, नया कोई पैनिक क्रिएट ना हो जाए। और उन्होंने कहा भी है, पुलिसकर्मी और पुलिस के जो ऑफिसर हैं, कि उनका पहरा लगातार यहाँ जारी रहेगा। जी, अब जैसे अगले 2 दिन की बात कही जा रही है कि जो श्रमिक अंदर से निकाले गए हैं, जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया है, उनमें उनके जो स्वास्थ्य पे है 2 दिन निगरानी रखी जाएगी, आगे उसके बाद फिर विचार किया जाएगा कि वो किस तरह से रहते हैं, तो उस पर एक विचार करें। जी, जैसे मुख्यमंत्री जो भी कदम उठाया जाएगा वो चिकित्सकों की सलाह से उठाया जाएगा। अगर डॉक्टर कहते हैं किसी श्रमिक को और इलाज की ज़रूरत है और बेहतर कहीं ले जाने की ज़रूरत है, तो सरकार ले जाएगी, सरकार ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जितने श्रमिक हैं उन सबको 1-1 लाख रुपये एक राहत राशि के तौर पर दी जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि उनको घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनको सकुशल घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठानी है, तो सरकार वो जिम्मेदारी भी उठाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो NHIDCL कंपनी है जिसकी ये सुरंग बन रही है, वो कंपनी 1 महीने तक का सवेतन अवकाश देगी, यानी कि वो मजदूर सभी अवकाश पर रहेंगे, उनको वेतन भी मिलता रहेगा। तो आने वाले 1-2 दिन में मुझे लगता है सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और मजदूर हंसते खेलते खिलखिलाते हुए अपने परिजनों के पास अपने गाँव लौट जाएंगे। अगर हम सुरंग के भविष्य पर बात करें तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठाता कि अब सुरंग का भविष्य आगे क्या होगा। एक भूस्खलन की घटना हुई है बहुत बड़ी, अंदर जो है कम से कम 30 से 35 मीटर जो एरिया है उसमें भूस्खलन हुआ है, मलबा आया हुआ है और वो 60 से 70 मीटर तक पसरा हुआ है। आगे सुरंग का क्या भविष्य आपको लगता है, क्या इसको किस तरह? जी, मेरी जो NHIDCL के GM हैं कर्नल दीपक पाटिल, उनसे बात हुई है, इस बारे में काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि हमने इस पर अभी ब्रीफ में बातचीत की है, हम इसका विस्तार से एक पूरा प्लान बनाएंगे, टनल का निर्माण पूरा होगा, इसमें कोई रुकने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि अब से पहले लगभग 21 बार इस टनल के अंदर मलबा गिरा था, 21 बार, जो कि 2 मीटर से लेकर 5 या 6 मीटर तक था और वो उसे आसानी से उससे पार पा लेते थे, लेकिन इस बार चूंकि मलबा ज़्यादा था तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया, उनका ह्यूम पाइप भी नहीं लगा हुआ था। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि टनल के अंदर एस्केप चैनल तो होना चाहिए, मतलब एस्केप टनल या एडिट अप्रोच कुछ इस तरह के होनी चाहिए। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इसके अंदर कुछ ऐसा बनाने की योजना है, तो उन्होंने कहा चूंकि ये टनल 2 पार्ट्स में रहेगी, टनल के बीच में एक दीवार रहेगी, वो दीवार ही अपने आप में एस्केप चैनल का काम करेगी, यानी अगर किसी एक तरफ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी तरफ से आसानी से निकला जा सकेगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा और आज ये यहाँ से श्रमिक बाहर आ चुके हैं, और एक उम्मीद है कि आने वाले कल में जब वो लौटेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो इस 17 दिन को ज़रूर भूलेंगे और ये आगे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। मैं अजय कुमार, कैमरा पर्सन सूर्य प्रकाश के साथ सिलगेरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।